अब पीछे चैप्टर में हम लोगों ने ग्रुप थियरी इसको पढ़ा, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स थ्योरम जो भी है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते रहे उसको हम लोगों ने किया। अब इसके बाद जो अगला वर्क है वो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या है पहले इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो परम्यूटेशन को जानने से पहले मैपिंग जानना जरूरी है, क्योंकि एक मैपिंग ही कुछ और कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो हमारा परम्यूटेशन हो जाता है। तो जैसे यह एक मैपिंग दिया गया है और इस मैपिंग को पी से डिनोट किया गया है और इसका जो डोमेन सेट है वो भी हमारा एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एस है, यानी यस एक हमारा सेट है यस, और इसके जो एलिमेंट हैं वो फाइनाइट है। तो हमारा यह यस कोई एक फाइनाइट सेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन कोई फाइनाइट सेट हो गया। अब उसके बाद से जो एक मैपिंग है वो मैपिंग ऐसा है कि ये जो दोनों का डोमेन और को डोमेन ये दोनों एक ही सेट है, यानी जब कोई एक फाइनाइट सेट ले परम्यूटेशन समझने के लिए कोई एक फाइनाइट सेट ले लें और उस फाइनाइट सेट को ही डोमेन भी वही रहे को डोमेन भी वही रहे और तब एक मैपिंग इस पे हम पी को ऑपरेट करें। तो जो यह मैपिंग पी है ये पी यदि वन वन और आन टू हो जाए तब जो यह पी है वो परम्यूटेशन कहलाएगा। यानी परम्यूटेशन होने के लिए कोई एक मैपिंग परम्यूटेशन तब हो जाता है जब वह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। दो में क्या कि इसका जो डोमेन और को डोमेन है वो सेम हो और फाइनाइट हो, यानी इसमें हम पूरे नेचुरल नंबर को नहीं ले सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट हो गया। हमको इसमें फाइनाइट वन टू थ्री या वन टू थ्री फोर माने फाइनाइट ही लेना पड़ेगा। तो यानी कोई भी मैपिंग पी परम्यूटेशन तब होगा जबकि इसके डोमेन और को डोमेन दोनों ही सेम सेट हों और फाइनाइट हो। दूसरी चीज कि यह जो पी है वो वन वन और आन टू मैपिंग हो, यानी इसके एक एलिमेंट का एक ही इमेज और इसमें जो कोड डोमेन है उस कोड डोमेन का कोई एलिमेंट ऐसा न हो जो इमेज न हो। तो जब यह दोनों वन वन और आन टू कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तब जो ये मैपिंग होगा वो मैपिंग परम्यूटेशन कहलाएगा। इट मीन्स एक मैपिंग परम्यूटेशन हो जाएगा यदि उसके डोमेन और कोड डोमेन दोनों फाइनाइट सेट हों और दूसरा कि जो मैपिंग है वो वन वन भी हो और आन टू भी हो, तब वह जो मैपिंग होगा उसी मैपिंग को हम परम्यूटेशन कहेंगे। अब आप देखोगे कि अब जो ये परम्यूटेशन है एक एग्जांपल के लिए आपको हम परम्यूटेशन और क्या है थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। तो एक एग्जांपल हमने लिया कि यह एस एक हमने सेट लिया और इसका एलिमेंट वन टू थ्री, एस एक सेट लिया और इसके एलिमेंट वन टू थ्री केवल तीन एलिमेंट लें। तो अब देखो अब हमने क्या किया कि यह वन टू थ्री ऐसा ले लिया। अब यह दूसरा हमारा सेट दोनों एक ही है एस, अब एक मैपिंग हमने पी लिया तो इसमें भी वन टू थ्री ऐसा हुआ। तो जैसे मान लो कि यदि यह वन का इमेज टू हो जाए, टू का इमेज वन हो जाए और थ्री का इमेज थ्री हो जाए, तब हमने देखा कि यह जो दोनों सेट है वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट है, यानी वन टू थ्री एलिमेंट है और वो हमारा फाइनाइट है वो इनफाइनाइट तक नहीं है। तो पहला कंडीशन कि यस जो हो वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट हो और डोमेन और को डोमेन दोनों सेम सेट हो, तो ये आ गया। अब ये देखो कि इसका जो मैपिंग है वो मैपिंग हमारा वन वन और आन टू है कि नहीं है। तो यदि इसके कोई एलिमेंट का एक इमेज रहता तो वो मेनी वन होता, लेकिन यह वन एक ही एलिमेंट का इमेज है टू का और यह टू एक ही एलिमेंट का इमेज है वन का और यह थ्री एक ही एलिमेंट का इमेज है वो थ्री का,
तो इस तरह से जो मैपिंग है वो हमारा वन वन और वन टू दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तब तो जो यह पी हुआ वो पी हमारा परम्यूटेशन कहलाएगा। अब ये परम्यूटेशन में देखो कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है परम्यूटेशन का। तो अब जैसे देखो कि हमने क्या किया कि यह वन टू थ्री ऐसे हमने ले लिया और इसका जो यह इमेज पॉइंट है वन टू थ्री हमारा इस डोमेन के एलिमेंट है। अब इसका इमेज तो वन का इमेज इसमें क्या आया है टू और इसमें टू का इमेज वन और थ्री का इमेज थ्री। तो यह है एक परम्यूटेशन कहलाएगा। ये जो है इस परम्यूटेशन को ऐसे ही डिनोट करेंगे और यह हमारा परम्यूटेशन यानी वन का इमेज टू हुआ, टू का इमेज वन है और थ्री का इमेज थ्री है। तो ये हमारा परम्यूटेशन हो गया। अब हमें देखेंगे कि यदि यश में तीन एलिमेंट हैं तो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल हैं। तो अब उस परम्यूटेशन कितने पॉसिबल हैं उसको कैसे समझेंगे इसको एक बार यहाँ ध्यान दें। तो हमने यह एलिमेंट लिया वन टू थ्री। अब देखो क्या है, ये वन का इमेज यदि वन ही हो, वन का इमेज वन ही हो तो वन का इमेज और इसमें भी दोनों में वन टू थ्री या इसमें भी है। अब अंतर क्या है कि इसमें हमारा वन टू थ्री या इसमें वन टू थ्री का क्रम बदलता जाए। जैसे मान लो यह वन आ गया, यह टू आ गया, यह थ्री आ गया तो एक परम्यूटेशन हो गया, यह टू हो गया, यह वन हो गया, यह थ्री हो गया दूसरा परम्यूटेशन हो गया। यानी जब नीचे के वन टू थ्री का ही प्लस चेंज होता रहेगा तो परम्यूटेशन बदलता जाएगा। अब हम देखें कि वन टू थ्री यदि हमारा एलिमेंट एक सेट में है तो उसके कुल कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है। तो उसके लिए देखो, पहला वन का यदि इमेज वन हो जाए तो अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, दो ये कि टू का इमेज टू हो तब थ्री का इमेज थ्री रहे और नहीं तो टू का इमेज थ्री हो जाए और थ्री का इमेज टू हो जाए। यानी वन यहाँ फिक्स हो जाए तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी, उन दोनों को एक बार लिखो। तो यदि टू का टू तो यह थ्री का थ्री, ठीक है ये, क्योंकि यदि यह टू आ गया तो यहाँ वन और टू में से कोई दूसरा नहीं आएगा तब तो वो हमारा एक ही एलिमेंट के दो इमेज हो जाएंगे और हमारा वन टू और वन वन और वन टू दोनों होना है तो एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा। तो यदि वन का हम वन ले लें तो अब हमारे पास दो प्लेस जो बचे हैं उसके लिए नंबर भी दो है, एक टू है और एक थ्री है। तो एक पॉसिबिलिटी कि टू के साथ टू आ जाए और थ्री के साथ थ्री, लेकिन ये वन फिक्स रहे तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यह टू का इमेज थ्री हो जाए और थ्री का इमेज टू हो जाए। तो यानी यह वन टू थ्री, तो यह जब आया तो ये वन को हमने वन के साथ फिक्स कर लिया, तब आपका टू का इमेज पहले में टू, अब टू का इमेज यदि हमारा थ्री भी आ सकता है तो जब यहाँ थ्री आ गया तो वन थ्री आ गया तो अब एक वही एलिमेंट बचा वो हमारा इसका इमेज हो गया। तब देखो ये दो परम्यूटेशन हुए, यह वन टू थ्री और यह वन थ्री टू, तो दो परम्यूटेशन हुआ। अब आप क्या कर लो, यह वन टू थ्री ये आपका वही एलिमेंट है, अब यह वन के साथ वन को लिया लेकिन यह वन के साथ हमारा टू भी आ सकता है। तो यदि वन के साथ टू आ जाए तब हमारे पास अब दो एलिमेंट बचा वन और थ्री। तो वन और थ्री में क्या पॉसिबिलिटी कि वन यहाँ आवे तो थ्री यहाँ आएगा और थ्री यहाँ आवे तो वन यहाँ आएगा। तो जब प्लेस चेंज होगा तो परम्यूटेशन बदल जाएगा। तो यदि मान लो यहाँ टू ले लिया तो इसी टू के लिए दो पॉसिबिलिटी, वन टू थ्री है, टू हम फिक्स्ड रखें तो उसके लिए ये हमारा थ्री और वन ऐसा हो जाए, या टू तो फिक्स है तो वन और थ्री ऐसा हो जाए। तब हमने देखा यह वन टू थ्री हुआ, ये हमारा वन थ्री टू हुआ, यह टू थ्री वन हुआ, यह टू वन थ्री हो गया। अब यह वन के साथ वन लिया तो दो पॉसिबिलिटी देख लिया,
वन के साथ टू लिया तो उसकी दो पॉसिबिलिटी देख लिया। अब वन के साथ आपका यह थ्री भी आ सकता है, यानी इस वन के लिए तीन ही पॉसिबिलिटी, या तो वन रहे, नहीं तो टू रहे, नहीं तो थ्री, अब फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इस थ्री के साथ आपका फिर दो प्लेस बचे और दो ही नंबर बचा, तो वन टू थ्री, तो थ्री आ गया, तब हमारा वन और टू बचा है। तो वन और टू में यदि यहाँ वन लें तो यह टू आएगा, और यदि यहाँ हमारा टू है तो यहाँ वन आएगा। इसका मतलब तीन एलिमेंट है तो यही सिक्स पॉसिबिलिटी है। तो यह परम्यूटेशन वन टू थ्री, यह वन थ्री टू, यह टू थ्री वन, टू वन थ्री, ये थ्री वन टू और थ्री टू वन। इस तरह से देखा गया कि यदि यश में तीन एलिमेंट हैं तो उसके जो टोटल परम्यूटेशन की संख्या होगी वो फैक्टोरियल थ्री। फैक्टोरियल थ्री का मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी सिक्स, ये सिक्स परम्यूटेशन आए। और ऐसे ही यदि यश के हम चार एलिमेंट लेंगे तो उसके जो कुल परम्यूटेशन आएंगे वो हमारे फैक्टोरियल फोर आएंगे। तो यहाँ से हम दो चीज़ समझे, एक तो परम्यूटेशन क्या है, कि कोई एक मैपिंग ऐसा हो जिसके डोमेन और को डोमेन दोनों एक ही सेट हो और फाइनाइट हो, पहली बात। और दूसरी बात कि वो जो मैपिंग हो, मैपिंग वन वन और आन टू दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यदि इस तरह का जो मैपिंग होगा वो मैपिंग ही हमारा परम्यूटेशन होगा, ये पहली बात हम लोगों ने जाना। दूसरी बात, डिग्री ऑफ परम्यूटेशन या सिंबल भी हम उसको कहते हैं। तो डिग्री ऑफ परम्यूटेशन तो जो सेट लिया गया है उसमें जितने एलिमेंट हैं वही उसकी डिग्री कहलाता है, यानी वो परम्यूटेशन का डिग्री। तो ये जो परम्यूटेशन हुआ, ये परम्यूटेशन, वो ये डिग्री थ्री का परम्यूटेशन हुआ, या हमें कहेंगे कि यह परम्यूटेशन ऑफ सिंबल थ्री। आप सिंबल थ्री कहो चाहे डिग्री थ्री कहो, बात एक ही है, ठीक है ये। तो अब देखो, एस नॉन एम्प्टी सेट हुआ, और पहला परम्यूटेशन, दूसरा परम्यूटेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इन सारे परम्यूटेशन को एक सेट बना लो। तो उस सेट को डिनोट करते हैं एस थ्री से, एस थ्री। एस थ्री का मतलब यदि सेट यस है तो उस यस में तीन एलिमेंट लें तो फैक्टोरियल थ्री परम्यूटेशन आएंगे, और इन सभी फैक्टोरियल थ्री परम्यूटेशन का जो कलेक्शन हो गया, जो सेट हो गया, उसको हम यस थ्री कहेंगे। यानी यस थ्री क्या हुआ, यस थ्री का मतलब कि एस थ्री है, इसका मतलब यस में तीन एलिमेंट है, और जब तीन एलिमेंट होंगे तो उससे टोटल फैक्टोरियल थ्री यानी सिक्स परम्यूटेशन मिलेंगे। तो जैसे पहला परम्यूटेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इन सभी परम्यूटेशन को एक सेट बना दें तो वो जो सेट होगा वो हमारा यस थ्री होगा। यानी इन सब का कलेक्शन एक सेट बनावें, उसमें यह पहला परम्यूटेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसको एक सेट में लिख दें तो वो हमारा यस थ्री कहलाएगा, ठीक है ये बात। तो इस तरह से आपने परम्यूटेशन समझा, और उसके बाद परम्यूटेशन में परम्यूटेशन की डिग्री क्या है उसको हम लोगों ने समझा, और फिर उसके बाद ये समझा गया कि एस थ्री जो नोटेशन है उसकी क्या मीनिंग है। तो ये तो पर्टिकुलर एक केस लेकर के आपको समझाया। और ऐसे ही यदि हमारा कोई एक सेट एस हो और उस यस में एन एलिमेंट हो, एन ए, यदि हमने एस लिया और इसमें एक्स वन, एक्स टू से लेकर के एक्स यन, एन एलिमेंट है, तो जब यन एलिमेंट लेंगे तो कोई परम्यूटेशन हम लेंगे जिसका डोमेन एस और को डोमेन भी एस रहेगा, तो इसमें कुल परम्यूटेशन की जो संख्या होगी वो फैक्टोरियल यन, ठीक है ये। एलिमेंट तीन तो परम्यूटेशन भी तीन नहीं आए, फैक्टोरियल थ्री आए, यानी सिक्स परम्यूटेशन है। तो हमारा यस में यन एलिमेंट है इसलिए इसमें कुल परम्यूटेशन की संख्या होगी फैक्टोरियल यन, और उन सभी परम्यूटेशन को, जैसे हमने पहला
पहला जो आया फैक्टोरियल एन में उसको P1 कह दिया परम्यूटेशन को, दूसरे को P2 कहा, तीसरे को P3, और ऐसे फैक्टोरियल एन परम्यूटेशन आएंगे। और तब तो एक एसियन डिनोट करें तो हमारा P1 P2 P3 ये सभी परम्यूटेशन जो यह पी फैक्टोरियल एन तक होंगे, इन सबका जो कलेक्शन आएगा वही हमारा एसियन कहलाएगा। तो जो ये परम्यूटेशन है जिसमें एन एलिमेंट हैं तो ये हमारा परम्यूटेशन का डिग्री एन होगा, या जो यह एसियन हुआ वो एसियन इज ए कलेक्शन ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन सिंबल्स आर एन डिग्री। ये बात समझ में। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण वर्क हम लोगों को करना है, वो क्या कि यदि कोई एक सेट है एस, उसमें यन एलिमेंट लो और तब उस यन एलिमेंट से फैक्टोरियल यन परम्यूटेशन आएंगे, उन फैक्टोरियल यन परम्यूटेशन को हमने एसियन से डिनोट कर दिया। तो जो एसियन है वो परम्यूटेशन का अभी प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करेंगे। तो परम्यूटेशन का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट वाले सिंबल से जो ये फैक्टोरियल यन परम्यूटेशन का कलेक्शन एसियन है, यह एक अलजेब्रिक सिस्टम हो गया, यानी सेट हो गया एसियन, और परम्यूटेशन का प्रोडक्ट ऑपरेशन हो गया। तो सेट और ऑपरेशन दोनों को जब एक साथ ले लेंगे तो यह अलजेब्रिक सिस्टम हो गया। ये अलजेब्रिक सिस्टम ग्रुप होगा ऐसा आगे का थ्योरम हमको दिखाना है। तो अभी उस थ्योरम पे हम आएं, उससे पहले कुछ और बातें आप जान लें। उसमें क्या जानना है कि यदि कोई दो परम्यूटेशन है तो दो परम्यूटेशन के इक्वालिटी का क्या मतलब है, कि कोई दो परम्यूटेशन इक्वल कब होगा। तो जैसे मान लो कि हमारा एक परम्यूटेशन दिया गया है, ये हमारा 1, 2, 3 और यह ABC। अब ABC यहाँ कहाँ से आ गया, जब 1, 2, 3 हमारे पास नंबर है तो ABC का मतलब इस A की जगह 1, 2, 3 में कोई एक नंबर आ गया, और B का मतलब 1, 2, 3 में जो यहाँ आ गया उसको छोड़कर के शेष जो दो बचा उनमें से कोई आ गया उसको हमने B कहा, और यह सी यानी जो दो एलिमेंट यहाँ रखे जा चुके हैं तो जो बचा वो हमारा सी। तो हमने एक यदि यहाँ 2 लेते या 3 लेते 1 लेते तो ये तो केवल एक परम्यूटेशन के लिए होता, लेकिन यहाँ A की जगह इन तीनों में से कोई आ सकता है, और जो यहाँ आ गया शेष दो बचे उनमें दो में से कोई एक आ सकता है, और सी में जो अब दो ले लिया गया तो एक ही बचा वो हमारा सी होगा। तो अब यह एक जनरल परम्यूटेशन हो गया, ठीक है। ये तो अब यह एक परम्यूटेशन है। अब ये परम्यूटेशन यदि 1, 2, 3 और ये हमारा 3, 2, 1 ऐसा दिया गया तो ये दोनों परम्यूटेशन इक्वल तब होंगे जब तुम्हारा 0.1 जो है उसका इमेज यह ए, तो यहाँ 1 का इमेज जो 3 आया है ये दोनों इक्वल हो जाए। तो ये जो 2 का हमारा इमेज है बी और इसमें 2 का इमेज 2 ही है तो यह B2 के इक्वल हो जाए, और सिमिलरली 3 का इमेज यहाँ सी है तो सी की वैल्यू इस 3 के इमेज 1 के इक्वल हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये बोथ परम्यूटेशंस आर इक्वल। क्लियर है ये? तो ये हमारा दो परम्यूटेशन की इक्वालिटी, ऐसा हम लोगों ने समझा। अब एक चीज़ और समझना है परम्यूटेशन की इक्वालिटी के बाद, कि यदि कोई एक परम्यूटेशन है और यदि उसमें एक कॉलम दूसरे कॉलम से चेंज होता है तो उस परम्यूटेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम क्या कह रहे हैं 1, 2, 3 और यह सपोज कर लो 2, 3, 1 एक परम्यूटेशन, यानी इसी में इसका क्रम चेंज होता रहेगा तो परम्यूटेशन बदलता रहेगा। तो एक परम्यूटेशन ये हो गया। अब आप क्या कर लो, यह 2 को पहले तुमने लिख दिया 2 को, तो 2 का इमेज 3 है तो 2 का इमेज 3। अब इसके बाद सपोज कर लो 3 लिखा इसका इमेज 1 और यह 1 लास्ट में लिखा इसका इमेज 2। तो यदि एलिमेंट वहीं रखा गया हो उसका इमेज चेंज ना हो,
जैसे यह वन का इमेज, वन को हमने लास्ट में लिखा, लेकिन इसका जो इमेज है वो इमेज चेंज नहीं हुआ। ये टू है उसको हमने फर्स्ट प्लेस पे लिखा तो उसका इमेज जो है वो बदला नहीं है। तो यदि हम कोई एक कालम को दूसरे कालम से इंटरचेंज कर दें, जैसे हमारा यह टू थ्री, ये हमारा सेकंड कालम है और ये हमारा फर्स्ट कालम पे आ गया, और थ्री वन ये थर्ड कालम पे है वो हमारा सेकंड पे आ गया, और वन टू ये हमारा फर्स्ट पे या लास्ट पे आ गया। तो कोई कालम यदि चेंज होता है दूसरे कालम से तो इससे उसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कब आएगा? जब उस पॉइंट के इमेज बदल जाए, जैसे हमने ये टू को यहाँ थ्री की जगह अब वन यहाँ लिख लेते हैं तब वो हमारा चेंज हो जाएगा। यानी कोई भी परम्यूटेशन है उस परम्यूटेशन में कालम यानी पॉइंट और इमेज सहित उसका प्लेस बदलता है तो नया जो परम्यूटेशन आएगा नो चेंज। क्लियर है ये बात? अब एक चीज और समझना है, हमने परम्यूटेशन समझा, परम्यूटेशन की इक्वालिटी को समझा, और फिर परम्यूटेशन में ये देखा कि उसके कालम चेंज होते रहे दूसरे कालम से तो उससे कोई परिवर्तन नहीं है। अब जो हमको परम्यूटेशन का प्रोडक्ट ये समझना है, क्योंकि जैसे देखा गया कि एडिशन हुआ तो जनरल एडिशन टू और थ्री को ऐड करना हम जानते हैं, लोअर क्लास से ही जानते हैं, लेकिन वही रेजिड्यू क्लास का आया तो रेजिड्यू क्लास का एडिशन में और जो जनरल एडिशन है उससे थोड़ा फर्क आ गया। ऐसे ही परम्यूटेशन में प्रोडक्ट ही डिफाइंड है, और वो प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है उसको एक बार हम लोग समझेंगे, और तब उसी प्रोडक्ट का यूज करते हुए तब आगे हम दिखाएंगे कि हमारा जो अलजेब्रिक सिस्टम एसियन और ये प्रोडक्ट जो परम्यूटेशन का हुआ, ये दोनों एक साथ अलजेब्रिक सिस्टम फार्म करेंगे तो वो ग्रुप होगा। तो एक एक कंडीशन को हम कैसे चेक करेंगे वो आगे का वर्क है, लेकिन एक चीज़ हम ये बताने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन। इसमें दो इतनी चीज़ें आई हैं हम लोगों का, वो हम लोगों ने समझा है क्या, एक तो डिग्री ऑफ परम्यूटेशन, डिग्री ऑफ परम्यूटेशन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द नॉन एम्प्टी सबसेट एस इज नोन एज डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। क्लियर है? तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of S is known as degree of permutation. ये हो गया। अब इसके बाद से equality of permutation, फिर इसके बाद हम लोगों ने समझा, अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन ऐसा समझो, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन इस चीज को हम लोग को समझना है। इक्वालिटी ऑफ परम्यूटेशन में आपको बताया कि एक एलिमेंट है उसका जो इमेज है उसी एलिमेंट का यदि दूसरे परम्यूटेशन में जो इमेज है दोनों इक्वल हो तो इक्वल परम्यूटेशन होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन में देखो एक एग्जांपल हम बता रहे हैं उससे ये चीज़ क्लियर होगी। जैसे मान लो एक परम्यूटेशन हमने ले लिया पी वन और इसकी वैल्यू वन टू थ्री, और एक परम्यूटेशन या थ्री टू वन ऐसा हमने ले लिया एक परम्यूटेशन, और दूसरा परम्यूटेशन जो हुआ वो पी टू, और पी टू में यह वन टू थ्री ऐसा आया, और यह हमने क्या किया वन टू थ्री ऐसा या इसको हम चेंज कर लें तो यह टू थ्री
वन, ये दो परम्यूटेशन हो गए। अब इन दोनों परम्यूटेशन के प्रोडक्ट को हमको डिफाइन करना है। तो जैसे अब हम लिखेंगे कि पी वन इंटू पी टू, दोनों परम्यूटेशन का प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या कर लो, दोनों परम्यूटेशन को लिखो, यह वन टू थ्री और इसका इमेज है थ्री टू वन ए, और फिर इसके बाद आपका P2, तो P2 में है वन टू थ्री और फिर यह टू थ्री वन, ये दो परम्यूटेशन लिया, इसका प्रोडक्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो देखो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करो कि जो पहला परम्यूटेशन है उसको रहने दो और जो दूसरा परम्यूटेशन है, तो देखो कि ये पहला इमेज हमारा थ्री है तो इसमें देखो थ्री कहाँ आया, तो पहले को ऐसे रहने दो, पहले को वन टू थ्री ये रहने दिया और यह थ्री टू वन, ठीक है। ये अब यहाँ क्या कर लो कि जो ये नंबर है उतना ही यहाँ लिखो, थ्री टू वन जो यहाँ है। अब करना ये है कि इसमें थ्री को यदि ये पहले प्लेस पे लाया तो इसका इमेज सहित लाएंगे तो उससे उसके परम्यूटेशन में वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है, तो थ्री को यहाँ लाए तो इसका वन ऐसा है। फिर इसके पास है टू है, टू का इमेज थ्री ए है और वन का टू, तो इसको यदि ऐसा लिखेंगे तो इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम एक करते यही हैं कि जो पहला परम्यूटेशन है उसको लिख लेते हैं और जो दूसरा परम्यूटेशन है उस दूसरे परम्यूटेशन में जो पहले परम्यूटेशन का यह है इमेज पॉइंट है इसी को, यदि यह थ्री है थ्री यहाँ है तो पहले प्लेस पे है तो थ्री वन को पहले प्लेस पे लाओ। अब इसके बाद टू है तो यहाँ से इसमें टू वाले को, ये जो टू वाला है तो टू थ्री को यहाँ लाओ और लास्ट में वन है तो वन का वन टू को यहाँ लाओ, ठीक है ये। और अभी हम लोगों ने देखा कि कोई एक कॉलम अपने प्लेस से चेंज होता है तो उससे उसके परम्यूटेशन की वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब यह और ये दोनों हमारा सेम है तो ये समाप्त हो जाएगा और तब हमको जो बचा ये वन टू थ्री, वन टू थ्री और यहाँ से वन थ्री टू ए आ गया। तो इस परम्यूटेशन और इस परम्यूटेशन का यही प्रोडक्ट हो जाएगा, क्लियर है ये। तो यानी दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट, पहला परम्यूटेशन है फिर दूसरा परम्यूटेशन, तो इसमें जो इमेज है उसी को उसी क्रम में दूसरे वाले को लाओ और जब ये इक्वल हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचा ऊपर वाले में और इसका यह इमेज वाले में यह बच गया, इन दोनों का वही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको बिना इतना किए डायरेक्ट इस चीज़ को तुम पाना चाहो तो पा सकते, कैसे। अब यह वन टू थ्री है, वन टू थ्री यहाँ लिख लो। अब देखो कि यह वन का इमेज क्या है, थ्री, वन का इमेज थ्री, तो इस वन के नीचे वो वैल्यू लिखेंगे कि अगले में थ्री का जो इमेज है उसको लिखेंगे, यानी वन का इमेज थ्री तो इसमें थ्री का इमेज जो वन आया वही इस वन के नीचे लिखा जाए, फिर टू का इमेज टू है तो टू के नीचे इसमें टू का जो इमेज है वो लिखा जाए और इसमें थ्री का इमेज वन है तो इसमें वन का इमेज जो टू है वो उसको हम लिखेंगे। तो बिना इतना किए डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ये। तो इस तरह से हमारा जो दो परम्यूटेशन है तो दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइंड है। अब हम लोगों ने परम्यूटेशन समझ लिया, उसकी डिग्री को समझ लिया, दो परम्यूटेशन की इक्वालिटी को समझ लिया और फिर उसके बाद जो आगे का वर्क हम लोगों ने कि दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट एक कैसे डिफाइंड है इसको हम लोगों ने समझ लिया। तो इस तरह से इतनी चीज़ें हम लोग के सामने आ गई। अब दो बात को और हम लोग जान लेंगे फिर तब थ्योरम पे हम लोग वापस आएंगे। वो दो क्या है कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन,
आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन आइडेंटिटी परम्यूटेशन में यदि कोई हमारा परम्यूटेशन है चाहे जितने डिग्री का हो, प्रत्येक एलिमेंट का इमेज वो स्वयं हो, तब वो हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है। जैसे थर्ड डिग्री में समझ लो कि 1, 2, 3 ऐसा है। यदि 1 का इमेज 1 ही रहे, 2 का इमेज 2 हो और 3 का इमेज 3 हो, तो यही हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगा। अब ये आइडेंटिटी हम लोग पीछे कर चुके हैं। आइडेंटिटी की क्या प्रॉपर्टी है कि उसको किसी दूसरे एलिमेंट में यदि उसको ऑपरेट करो, तो इसके ऑपरेट होने से यदि वो एलिमेंट बदले ना, तो हमारा प्रूफ हो गया कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। तो अब ये हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, इसके लिए तुम क्या कर लो कि कोई एक जनरल 1, 2, 3 जैसे 3, 2, 1, 3 ये हमने कोई एक परम्यूटेशन ले लिया। अभी हमारा 1 का इमेज 1 नहीं है, 2 का इमेज 1 नहीं है, डिफरेंट है, तो ये हमारा जो हम क्लेम किए हैं उसके अनुसार ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन नहीं है। अब ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन तब हो जाएगा कि यदि इसमें इसको ऑपरेट करें और उसके ऑपरेट होने से बदले ना, तब आप क्या कर लो, इसको लो 1, 2, 3 ऐसा करो। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो ये 1, 2, 3 ऊपर है, ये हमने रख लिया, लेकिन 1 के नीचे यहाँ 2 है, तो अगले में 2 के नीचे जो आएगा उसको हम लिखेंगे, तो यह 2, फिर यह 2 के नीचे 1 है, तो इसमें 1 के नीचे जो आएगा वो हम लिखेंगे, और यह 3 के नीचे 3 है, फिर इस 3 के नीचे यह 3 ए आया। ये कोई परम्यूटेशन लिया, और उस परम्यूटेशन से ये जिसको आइडेंटिटी क्लेम किए हैं उससे हमने प्रोडक्ट किया, और प्रोडक्ट करने पर जो आया देख रहे हैं कि जो यह है वही अभी है, यानी इसके ऑपरेट होने से ये बदला नहीं, इसलिए प्रूफ हो गया कि हमारा क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ठीक है, अब लास्ट इनवर्स परम्यूटेशन कि किसी भी परम्यूटेशन के इनवर्स परम्यूटेशन का क्या अभिप्राय है। तो इनवर्स परम्यूटेशन तो जैसे आपको ये बताया गया कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन तो सारे परम्यूटेशन में एक ही आएगा, आइडेंटिटी कोई नहीं होता, हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं कि आइडेंटिटी यूनिक होता है किसी ग्रुप में, तो हमारा लेकिन आइडेंटिटी तो एक ही हो गया कि जो एलिमेंट लो उसका इमेज वही रहे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, परम्यूटेशन हो गया। लेकिन इनवर्स तो हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, तब हम कोई एक परम्यूटेशन लें और तब एक दूसरा ऐसा परम्यूटेशन जिसको पहले में ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी परम्यूटेशन दे दें, तो दूसरा हमारा पहले का इनवर्स होगा। तो हम कोई एक एलिमेंट ले लिया परम्यूटेशन का, लेट 1, 2, 3 और यह 3, 1, 2 ऐसा एक परम्यूटेशन हम ले लिया। अब इसका इनवर्स परम्यूटेशन क्या होगा, जिसको इसमें ऑपरेट कर दो तो आइडेंटिटी दे दे। तो किसी भी परम्यूटेशन का इनवर्स परम्यूटेशन उसका जो यह इमेज पॉइंट के एलिमेंट है इसको ऊपर कर लो और ऊपर वाले को नीचे कर लो, यानी हमारा जो यह एलिमेंट है तो इसके लिए जो यह 3, 1, 2 और यह 1, 2, 3 यानी इसी में फर्स्ट रो को ये सेकेंड रो कर लिया और सेकेंड रो को फर्स्ट रो कर लिया। अब हमारा क्लेम है कि इसका इनवर्स यानी इसका इनवर्स यही होगा। तो इसका ये इनवर्स कब हो जाएगा, ये प्रूफ कब हो जाएगा,
जब इसमें इससे ऑपरेट करके आइडेंटिटी परम्यूटेशन दिखा, तो इस परम्यूटेशन का यह जो परम्यूटेशन हुआ वो इनवर्स परम्यूटेशन हुआ, इज इनवर्स परम्यूटेशन। अब यह इनवर्स परम्यूटेशन दिखाने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि जो पहला है 1, 2, 3 और यह 3, 1, 2 पहला एलिमेंट, और इसमें जिसको इनवर्स क्लेम कर रहे हैं यानी यह 3, 1, 2 और यह 1, 2, 3 ये क्लेम कर रहे हैं। अब यदि इससे प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ जाए तो प्रूफ हो गया कि ये इसका क्या है, इनवर्स परम्यूटेशन। तो देखो जो प्रोडक्ट करते हैं तो यह 1, अब 1 के नीचे क्या लिखेंगे कि यहाँ 1 के नीचे 3 है तो इसमें 3 के नीचे 1, तो यह 1 आ गया। अब इसका दूसरा 2 है तो 2 के नीचे 1, तो 1 के नीचे इसमें 2 है तो यह 2 आ गया। अब यह लास्ट है 3, तो 3 के नीचे 2 है, यहाँ 2 के नीचे 3। अब हमें देख रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का वो इमेज स्वयं है, यही हमारा आइडेंटिटी होता है। तो ये जब आइडेंटिटी हो गया तो प्रूफ हो गया कि इस परम्यूटेशन में इसके रो को इंटरचेंज कर दें तो हमारा वो आइडेंटिटी प्रोडक्ट होने पर दे देता है, यानी ये इसका इनवर्स परम्यूटेशन हो। तो इस तरह से हम लोगों ने जो आगे का थ्योरम करना है उस थ्योरम को करने से पहले जो हमारे रिक्वायरमेंट हैं उन सारे चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग थ्योरम करेंगे।